नमस्कार दोस्तों, यूनिक गार्डन पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो है ये मेरा सीडलिंग का पौधा है जो काफ़ी लंबा हो गया है, ये देखिए। लेकिन इसकी जो ब्रांचेज है काफ़ी पतली है। और दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि जो पतली ब्रांचें हैं, जो 1 इंच से भी काफ़ी पतली होती हैं, काफ़ी पतली है, तो जो ब्रांच 1 इंच से भी पतली हो उस पर कम से कम हम लोग 2 ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। मैं इन दोनों को इस पर ग्राफ्ट करूँगा। तो दोस्तों, जो पिछला मैंने 2 ठो तरीका बताया था एडेनियम पे ग्राफ्टिंग करने का, ये उससे थोड़ा सा अलग हटके है। तो इसकी जो ब्रांच की थिकनेस है ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर इस पे सीधे, ये तो इसी के साइज की है। तो दोस्तों, अगर आपके पास थिक ब्रांच है तो उस पे ग्राफ्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको इस तरह से ग्राफ्ट कर सकते हैं। इस विधि से कम आप तो 2 ग्राफ्टिंग आसानी से कर सकते हो अपने एडेनियम पे। लेकिन दोस्तों, 2 से 3 यदि करेंगे, अगर बीच में एक भी और बना के अगर आप फंसाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो आप इसको रैप करेंगे तो बीच में जो होगा वो धीरे धीरे फिसल के ऊपर आ जाएगा, जिससे आपकी ग्राफ्टिंग ख़राब हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप पतली ब्रांच पे भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। और रूल सेम है, इसको हम लोग रैप कर देंगे और रैप करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा तरीका है। इसको ध्यान से करना होगा कि ये फिसले नहीं। जब हम एक करते हैं तो काफ़ी सिक्योर होता है, लेकिन जब हम डबल ग्राफ्टिंग करते हैं तो ज़्यादा इसको टाइट कीजिएगा तो ये फिसल जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ्टिंग हो गया। इस तरह से दोस्तों आप भी कोशिश कीजिएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इतनी पतली पर भी आप आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जो भी बताएं। और इस तरह से आप आसानी से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।